तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को बेसिक्स पता होंगे। अगर बेसिक्स पता है तो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे अच्छे से समझ में आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, हम सब बोल रहे हैं इसकी फ्लाइट के हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं, हमें यही पता है हाफ एम वी स्क्वायर और हमें यही जानना भी है। अब एक छोटा सा रफ सा डायग्राम बनाते हैं हम, जहां पर हमने इस गेंद को यू वेलोसिटी से सपोज फेंक दिया और वो ऐसे 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 टॉप तक पहुंची और ऐसे 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 आगे जा करके गिर गई। इस दौरान वो टॉप पे यहां से निकली होगी, तो टॉप पर उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी केवल और केवल रहेगी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई यू कॉस थीटा, वर्टिकल हो गए यू साइन थीटा, और टॉप पर पहुंच करके वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जो भी बचता है वो क्या बचता है, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल, यानी कि यू कॉस थीटा केवल बचेगा। अगर हम किसी गेंद को फेंकेंगे और वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर है तो तब इसका मतलब उसकी वर्टिकल जीरो है। नाउ तो ये एट द बिगिनिंग एट द स्टार्ट v की जगह u लिख देते हैं यहां पर, तो एट द बिगिनिंग हाफ एम यू स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा e at t is equals to zero. Now at the top, e at the top, तो टॉप पर जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, u cos theta रहेगी, टोटल वेलोसिटी ही u cos theta रहेगी, वर्टिकल क्योंकि है ही नहीं। तो हाफ एम यू cos theta का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम u स्क्वायर और cos स्क्वायर theta, यानी कि जो e at the top आया वो आया हमारा e at the start into cos square theta. Now cos square theta का theta दिया है तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर theta कितना दिया है 45 degree. तो 45 degree हमको दे रखा है, तो e at the top हमारा आ जाएगा e start into cos square theta, यानी कि 1 by root 2 का square, यानी कि 1 upon 2, यानी कि e top जो रहेगा वो e start का 1 by 2 रहेगा, स्टार्टिंग में जो थी प्रोजेक्टाइल के केस में, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोजेक्टाइल जो है उसके लिए यहाँ पर ये रहेगा, इतना सिंपल। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, यस सर।